Don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon. Never miss out any update. चीटिंग करोगे? चीटिंग 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 करोगे तुम? नहीं कर पाऊंगी, मुश्किल है और नामुमकिन। क्लास 3 घंटे तुम्हारे पास, सिर्फ 3 घंटे। शायद ये तुम्हारे सेमिस्टर के सबसे खास 3 घंटे हो सकते हैं। आज तुम लिखो या ना लिखो, लेकिन ये 3 घंटे तुम्हें तुम्हारी जिंदगी भर याद रहेंगे। तो आज कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बस इतना कहूंगा कि ये 3 घंटे कोई भी प्रोफेसर तुमसे वापस नहीं ले सकता। चाहे तुम आने वाले सेमेस्टर में आगे जाओ या ना जाओ, पास हो जाओ या फेल हो जाओ, लेकिन अगर यहां इस रूम में बैठा हर एक स्टूडेंट अपना लॉजिक भर कर अपना पेपर लिखे, तो कोई भी यूनिवर्सिटी उससे उसके ये 3 घंटे कभी वापस नहीं ले सकता। तो स्टूडेंट्स, इस 3 घंटे का इस्तेमाल करो और शुरू हो चक दे। अगर किसी को चीटिंग करना है ना, तो ये फुस 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 ऐसे ये हरकतें मत कीजिएगा। मुझे बताइएगा, मैं आपको उसी इंसान की शीट आपको ला के दे दूंगी, आप भी लिखिएगा, बात पूरी क्लास भी लिखेंगे, ठीक है ना? तो चीटिंग मत कीजिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हो लेकिन हम टीचर हैं। बेवकूफ थोड़ी ना है, सब पता रहता है हमें, ठीक है ना? शुरू हो जाए। आप अपनी जुल्फों को थोड़ा पीछे ले लीजिए, आपके पीछे वाले को दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ा बड़ी मुश्किल हो रहा है बेचारे को। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है? अरे आप तो डर गए। अरे मैंने थोड़ी ना मना किया है, बताओ चीटिंग करने से। जुल्फों को पीछे ले लो, वैसे भी छुप छुप के तो वो देखेगा ही। You want minus marks? No? आपको भी वॉशरूम जाना है? एक काम कीजिए, आप वॉशरूम ही जाइए। वैसे भी क्लास में बैठ के तो आप लिख नहीं रहे हो, क्या पता वॉशरूम में जाने के बाद ना आइडियाज आते बड़े। आपको नहीं आता? मुझे तो हर सुबह वॉशरूम में जाने के बाद ही आइडिया आता है। आई गेस आपको जाना चाहिए, शायद आप उसके बाद अपने पेपर को कंप्लीट कर सके। जाइए ना, आपका दोस्त भी आया है। नहीं जाना आपको? पेंट में करोगे? ओके। One second.
आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ आपके पास। ये लीजिए, आप एग्जाम पे फोकस कीजिए। आप सबको कुछ भी चाहिए ना, आप मुझसे कहिए, मैं आपको लाके दूंगी। पर आप अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए, ओके? फुल फोकस। Hey everyone, thank you so much for giving so much love to Empty Canvas. And again, I'm back with a comedy video this time. So, do let me know in the comment section below which is your favorite character from the video. And also, please don't give your teachers certain names, nicknames or any names that are not appropriate. I do. Okay, we love you teachers. You're the best guide for us. You have been there with us every time we need you. So thank you so much for being there and we love you. And also, don't forget to subscribe to my channel if you haven't subscribed yet.